रोजाना एसी में बैठने से क्या हो सकता है? चलिए जानते हैं कि रोजाना एसी में बैठने के नुकसान क्या क्या हैं। 5 घंटे या इससे ज्यादा एसी में बैठने वाले लोग की म्यूक्स ग्रंथि को ठंडी हवा कठोर बना देती है। ऐसे में उन्हें साइनस का खतरा रहता है। ठंडी जगह में बैठे रहने से मांसपेशियों में भी खिंचाव की समस्या होती है। इस वजह से सिर दर्द और जोड़ों में दर्द की समस्या भी हो सकती है। ज्यादा समय तक एसी और कूलर में बैठे रहने से स्किन ड्राई हो जाती है, इसलिए त्वचा रोग विशेषज्ञ 1 से 2 घंटे के अंतराल पर मॉइस्चराइजर लगाते रहने का सलाह देते हैं। ज्यादा देर तक एसी या कूलर के स्थान ठंडी हो जाती है और वहाँ बैठने से हमारे शरीर की ऊर्जा ज्यादा खर्च नहीं होती है। इस वजह से शरीर की चर्बी चढ़ने लगती है, इससे मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है। बाइक के हैंडल पर यह पार्ट क्यों होता है? दोस्तों, आपने कई बार बाइक के हैंडल पर यह पार्ट तो जरूर देखा होगा और कई लोग इसे केवल डिजाइन समझते हैं, लेकिन इसके कई सारे उपयोग हैं। जैसे इसे बार एंड वेट कहते हैं और यह इंजन के द्वारा निकाले जाने वाले वाइब्रेशन को सोख लेता है, जिससे कि हमें हैंडल पर वाइब्रेशन महसूस नहीं होता और बाइक स्मूथ चलती है। यह बाइक के हैंडल को बैलेंस करने में भी मदद करता है और अगर कभी बाइक गिरती है तो यह पार्ट जमीन पर लगता है और हैंडल पर झटका कम से कम महसूस होता है, जिससे कि ज्यादा चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। कैसे हुए इतने फेमस क्रॉस शूज? क्रॉस शूज बोट चलाने वालों के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए वह वाटरप्रूफ थे। साल 2002 में 3 दोस्तों ने क्रॉक नाम से एक कंपनी बनाई। क्रॉक्स नाम क्रोकोडाइल से आया है, क्योंकि मगरमच्छ पानी के साथ साथ बाहर भी रहते हैं। उन्होंने 2002 में 76,000 क्रॉक्स बेचे और फिर लोगों की लाइफस्टाइल बदलने की वजह उनका सेल स्टॉप हुआ। फिर कुछ सालों के बाद उन्होंने लोगों तक पहुंचने के लिए नए क्रॉक्स की डिजाइन और मार्केटिंग की। 2021 में क्रॉक्स कंपनी ने 2.3 बिलियन का सेल किया। पेंसिल के ऊपर यह काला भाग क्यों होता है? दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी पेंसिल से जरूर लिखा होगा, तो क्या आपने नोटिस किया है कि पेंसिल के ऊपर यह काला लाइन क्यों होता है? दोस्तों, आपने पेंसिल के ऊपर इस काले भाग को जरूर नोटिस किया होगा, पर क्या आपको पता है कि इसका क्या काम है? तो चलिए जानते हैं। यह कलर पेंसिल को उसकी पहचान देती है, पर इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, यह एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। जब इस लाइन पर पेंसिल पहुंच जाती है तो बच्चों को लगता है कि यह खत्म हो चुकी है, पर फिर भी इसके बाद भी वह पेंसिल को उपयोग कर सकते हैं, पर उनके दिमाग में होता है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद पेंसिल खत्म हो चुकी है, इसलिए वह नई पेंसिल खरीदते हैं। मंदिरों में घंटियाँ क्यों लगाई जाती है? लोग सोचते हैं देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों, आप मंदिर जाते होंगे तो आपने घंटियों की आवाज़ सुनी होगी और उससे बड़े चाव से आपने भी घंटी बजाई होगी, लेकिन क्या आपको घंटी बजाने के पीछे का साइंस पता है? दरअसल दोस्तों, कई लोग धर्म के कई चीजों को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, लेकिन उनमें से कई साइंटिफिक बातें भी मौजूद होती है। जैसे मंदिर में जो घंटियाँ लगी होती है उन्हें सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि इन घंटियों का साउंड एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है। यही नहीं, घंटियों के साउंड में जो वाइब्रेशन होता है वो इतनी पावरफुल होती है कि इसके कनेक्ट में आने वाले जर्म्स या बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए ही मंदिरों के आसपास का एरिया काफी सकारात्मक माहौल वाला और बैक्टीरिया से दूर होता है। आजकल मोटरसाइकिल की हेडलैम्प्स बंद क्यों नहीं होती है? दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2017 से जितनी 2 पहिया वाहन बनेगी उन सब में इंजन ऑन होते ही हेडलाइट ऑन हो जाएगा। BS4 ईंधन से चलने वाले इस इंजन का नया फीचर यह है, इसमें वाहन का इंजन स्टार्ट होते ही वाहन की हेडलाइट भी जल जाएगी। जब तक 2 पहिया वाहन का इंजन स्टार्ट रहेगा तब तक हेडलाइट ऑन रहेगी, वाहन चालक इसे चाहकर भी बंद नहीं कर पाएगा। अब हेडलाइट ऑन और स्विच की जगह अब सभी 2 पहिया वाहनों में ऑटोमेटिक हेडलाइट सिस्टम AHO होगा, ऑटो हेडलाइट।
जलने का नियम 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिया गया है और इसे ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा भी लागू कर दिया गया है। इसका फायदा यह है कि दिन के उजाले में हेडलाइट के जलते रहने से सामने से आने वाले वाहनों का ध्यान इस ओर ज्यादा रहेगा। यह एक सड़क मोटरसाइकिल दुर्घटना में बेहद जरूरी सुरक्षा फीचर है और इससे शर्तीय तौर पर कमी आएगी।